नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। और आज के अंतर्दृष्टि एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम जिस एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं वह आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आया है और इसका हेडिंग है द हीट इज ऑन। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण इसका जो लिंक है वह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मोटे तौर पर यह जो आर्टिकल है मुख्य रूप से जो गर्मी के मौसम में जो हीट वेव्स होती हैं, जो गर्म लू के थपेड़े होते हैं या गर्म हवाएं जो चलती हैं उनसे संबंधित है। तो इसका जिस्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको इस जिस्ट को सुनना है। उसके बाद जो हमने एडिटोरियल का जो लिंक दिया है उससे आप उस एडिटोरियल को पढ़ें और उसके बाद जो हमने प्रश्न दिया है उसको आप हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जिस्ट की, इसके सारांश की। तो जो ये एडिटोरियल है द हीट इज ऑन, यह बताता है कि अभी हाल ही में स्काईमेट नामक संस्था के द्वारा 2019 में सामान्य से कम मानसून की आशंका व्यक्त की गई है और इसका एक प्रमुख कारण उन्होंने अल नीनो को बताया है। अल नीनो एक विशेष परिघटना है जिसका मानसून पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि स्काईमेट के अनुसार अल नीनो के साथ इंडियन ओशियन डाइपोल का भी भारतीय मानसून पर प्रभाव बताया गया है, जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में ही हमें जो गर्मी के मौसम में लू चला करती है या हीट वेव चला करती हैं उनसे निपटने की आवश्यकता है और उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त तैयारी करने की भी आवश्यकता है। इसके तहत ये माना गया है कि हमें विशेषकर स्थानीय प्रशासन को गर्म हवाओं से होने वाले तनाव और संभावित जल की कमी के निवारण के लिए नियोजन करना आवश्यक है। इसमें न केवल स्थानीय स्वशासन की भूमिका, स्थानीय एजेंसियों की भूमिका होनी चाहिए, बल्कि एनजीओस, स्वयं सहायता समूहों के साथ एनडीएमए की भूमिका भी होनी चाहिए, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हीट वेव की जो परिघटना है उसको हल्के में ना लेकर उसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद इस आर्टिकल में इस बात को डिस्कस किया गया है कि इसके निवारण के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको आप निवारण के तत्व के तहत शामिल कर सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए, उसमें प्रथम बिंदु है कि विशेषकर दोपहर के समय हीट वेव की चपेट में आने से लोगों को बचाना आवश्यक है, विशेषकर वृद्ध जनों को, मजदूरों आदि को। इसके अलावा पर्याप्त जल उपलब्धता, शरीर विशेषकर सिर को ढकना आवश्यक है। इसके अलावा मौसम की पूर्व जानकारी के लिए एसएमएस, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया आदि के प्रयोग के द्वारा मौसम से संबंधित जानकारी को प्रसारित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत इस बात पर भी बल दिया गया है कि शहरों को हीट एक्शन प्लान बनाना आवश्यक है, जिसके तहत हमें प्रभावी उपायों पर बल देना चाहिए। इसके अलावा विकेंद्रीकृत जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाना आवश्यक है, जिसका सुझाव किसानों पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा भी दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता एमएस स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि हीट वेव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध मानव जीवन के साथ उत्पादन व उत्पादकता, कृषि, जल संरक्षण व आने वाले चुनावों में लोगों की व्यापक भागीदारी से है। तो इस आर्टिकल के तहत मुख्यतः हीट वेव की चर्चा की गई है और इस बात पे बल दिया गया है कि आपको हीट वेव को हल्के में ना लेकर उसके निवारण के प्रभावी उपायों को अपनाना है। और इस संदर्भ में जो राष्ट्रीय आपदा निवारण अधिनियम है, राष्ट्रीय आपदा निवारण अधिनियम के तहत जो संस्था गठित की गई है एनडीएमए, उसके द्वारा भी एक एक्शन प्लान दिया गया है जिसको आपको अपनाने की आवश्यकता है। तो यह तो इस आर्टिकल का जिस्ट हुआ जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को आपको देंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत सीधा सा है, यह है कि क्वेश्चन सुन लीजिए, हीट वेव क्या है,
इसके कारणों और प्रभावों की चर्चा करते हुए इसके निवारण उपायों को भी बताएं। हीट वेव क्या है? इसके कारणों व प्रभावों की चर्चा करते हुए इसके निवारण उपायों को भी बताएं। अंग्रेजी में सुन लीजिए, व्हाट इज हीट वेव, एक्सप्लेनिंग द रीजंस एंड इफेक्ट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स रेमेडियल मेजर्स। व्हाट इज हीट वेव, एक्सप्लेनिंग इट्स रीजंस एंड इफेक्ट्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स रेमेडियल मेजर्स। तो यह जो आर्टिकल है, इसमें जब आप प्रश्न को हल करने की ओर जाएंगे तो आपको एक तो आर्टिकल के जो हमने बातें जो आर्टिकल की जो बिंदु बताए उनको ध्यान में रखना है, साथ ही आपको हीट वेव की जो विविध परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, माने मौसम विभाग के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, उसकी एक सुनिश्चित परिभाषा दी गई है, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। इसके अलावा जब आप इसके कारणों की बात करें तो कारणों में आप इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ सकते हैं, इसको आप अल नीनो के साथ जोड़ सकते हैं, इसको आप इंडियन ओशन डाइपोल आदि के साथ जोड़ के बताएं। और जब प्रभावों की चर्चा करें तो इसके आप नकारात्मक प्रभावों पे बल दें, जिसके तहत आप इसको जो जन माल की हानि होती है इसके बारे में आप बता सकते हैं, जो ह्यूमन जो मानव के जो उत्पादक दिवसों की हानि होती है, उससे होने वाली बीमारियों की जो हानि होती है, जो जंतुओं आदि पे इसके प्रभाव है उनके बारे में बताएं। इसके अलावा जो उत्पादकता पे इसका प्रभाव पड़ता है, कृषि पे इसका प्रभाव पड़ता है, जल जल पे इसका प्रभाव पड़ता है, संसाधनों आदि पे जो इसका प्रभाव पड़ता है इसको आप बता सकते हैं। जब इसके निवारण उपायों की आप चर्चा करें तो इसके तहत आप इसको कई हेड्स में बांट के, कई बिंदुओं में बांट के बता सकते हैं, जिसमें आप हीट वेव आने से पहले क्या किया जाना चाहिए, जब हीट वेव चल रही हो तो उस दौरान क्या किया जाना चाहिए, और उसके पश्चात किन उपायों को अपनाना चाहिए, ऐसे कुछ बिंदु इनमें दे सकते हैं। तो जो प्रश्न को आप हल करेंगे तो आप इसकी संरचना को ध्यान में रखेंगे, जिसमें आप इसमें जितने भी मुख्य शब्द हैं, जैसे कि हीट वेव हो गया, इसके कारण हो गए, इसके प्रभाव हो गए और निवारण उपाय आदि हो गए, इन सब कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इसके उत्तर को लिखेंगे। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस उत्तर को बिंदुवार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अधिकांश जो अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें 125 या 200 शब्द की अंतर पूछे गए या 150 शब्द में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, अपितु कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लिखें वे टू द पॉइंट लिखें। इसीलिए आप प्रश्न को इस रूप में समझें कि उसके कीवर्ड्स को समझें, मुख्य मुख्य बातों को समझें, और मुख्य मुख्य बातों को समझने के साथ आप क्या करें, उससे संबंधित प्रत्येक मुख्य शब्द से संबंधित दो दो तीन तीन बातों को लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को लिख सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है जो हमने चर्चा किया, ये इससे जो संबंधित प्रश्न है वह भूगोल के तहत भी पूछा जा सकता है, यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र एक के तहत भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से भी इसके तहत प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी ये प्रश्न पत्र तीन का भी भाग बन सकता है, जिसमें पर्यावरण आपदा प्रबंधन आदि से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ऑडिटोरियल है इसका संबंध न केवल प्रश्न पत्र एक से बन सकता है बल्कि प्रश्न पत्र तीन से भी बन सकता है। और अगर इसके क्वेश्चन को आप लिख लेंगे जो हीट वेव है, तो इसका मतलब हो गया कि आप हीट वेव जो है एक आपदा के रूप में उसके पूरे टॉपिक की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के सत्र के लिए हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म ज्ञानपुर पर। धन्यवाद।